नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में। तो वहीं इस कार्यक्रम का एक ही उद्देश्य कि आप तक हरियाणा के हर उस विकास की जानकारी पहुंचाई जाए जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में आपके लिए किए जा रहे हैं। तो बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हरियाणा डायरी। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश के विकास के संकल्प के साथ काम करते हुए प्रदेश को बुलंदियों पर पहुंचाने का काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री लाभार्थियों से बातचीत भी करते हैं और साथ ही ये भी जानते हैं कि क्या सरकार की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं उनका फायदा जनता को मिल रहा है या नहीं। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने विशेष चर्चा करते हुए मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चों के अभिभावकों से भी बातचीत की और साथ ही बच्चों के शिक्षक के साथ साथ संस्कार देकर उन्हें अच्छा नागरिक बनाने को लेकर भी ये बात कही है कि सरकार का इस पर भी काफी फोकस है। ये रिपोर्ट देखिए। हरियाणा प्रदेश को बुलंदियों तक पहुंचाने के संकल्प के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश के लिए सच्ची निष्ठा के साथ काम करते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से लगातार हरियाणा को आगे बढ़ाने के लिए सार्थक कदम उठाए गए हैं। सीएम मनोहर लाल जनता के लिए काम करते हैं और जनता के आशीर्वाद को सर्वोपरि समझते हैं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का विकास के साथ साथ बच्चों की शिक्षा पर भी विशेष ध्यान रहता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि बच्चों की शिक्षा अच्छी होगी तो प्रदेश का भविष्य भी अच्छा होगा। सीएम ने इसी कड़ी में मॉडल संस्कृति स्कूल के बच्चों के अभिभावकों के साथ विशेष चर्चा की और साथ ही ये बताया कि सरकार का फोकस बच्चों को पूर्ण शिक्षा देकर एक अच्छा नागरिक बनाने पर है। हरियाणा में हमारे लगभग 14,000 स्कूल हैं और सब मिलाकर 24 लाख विद्यार्थी उसमें अपनी पढ़ाई करते हैं। जब हमने सत्ता को संभाला उस समय पढ़ाई के कई प्रकार के अनुभव ये हमारे ध्यान में आते थे। कई अन्य अन्य प्रकार स्कूलों के बने हुए थे और पढ़ाई का भी स्तर काफी अलग अलग था। ग्रामीण क्षेत्रों की पढ़ाई सामान्यतया बहुत पिछड़ी हुई थी, लेकिन हमने उस सब में एक रैशनलाइजेशन का सिस्टम बना करके ताकि सभी स्कूलों में अध्यापक जितने हैं उनको एक अनुसार एक अनुपात के अंदर सब में भेजा जाए, बच्चों की संख्या के हिसाब से उनको रखा जाए, अध्यापकों की जो कठिनाइयां हैं उनको ध्यान किया। तो जो ट्रांसफर सिस्टम से हमारे अध्यापक ये बहुत परेशान रहते थे, हमने सबसे पहले अध्यापकों के लिए एक ऑनलाइन ट्रांसफर पॉलिसी ये बनाई और मुझे ध्यान है उस पहले वर्ष में जब इसको लागू किया गया तो 93% अध्यापक वो अपनी च्वाइस का अपना जो उनका चुनाव था उसका पहला दूसरा स्थान वो प्राप्त कर सके और अध्यापकों की संतुष्टि ही वास्तव में उनको अच्छी शिक्षा देने के लिए ये प्रेरित करती है। तो निश्चित रूप से इस सारी व्यवस्था को देखते हुए हमें ध्यान में आया कि माता पिता भी स्कूल की शिक्षा में थोड़ा सुधार की आवश्यकता महसूस करते थे कि हमारे बच्चों को पढ़ाई जो है वो इंग्लिश मीडियम में कराई जाए, हमारे बच्चे सीबीएसई स्कूल के साथ जुड़ करके पढ़ें। लेकिन सरकारी स्कूलों का सीबीएसई के साथ कोई व्यवस्था नहीं थी तो हमने एक और कैटेगरी उस समय जो बनाई 2017 में राज्य के मॉडल संस्कृति स्कूल ये एक व्यवस्था शुरू की गई थी। प्रारंभ में तो मात्र एक दिन के लिए बैग फ्री स्कूल इस प्रकार की कल्पना रखी गई और सभी जो ब्लॉक्स 118 ब्लॉक समय थे हर एक ब्लॉक में एक विद्यालय एक स्कूल इस प्रकार का बनाया गया। लेकिन आगे चल करके इसमें और कई प्रकार के सुधार किए ताकि उसमें अलग प्रकार के अध्यापकों का स्तर अच्छा स्तर हो और विद्यालयों के अंदर उनके स्मार्ट क्लासरूम हो, उनमें पाठ्यक्रम के लिए भी विशेष ध्यान दिया गया, इंग्लिश की पढ़ाई जरा अच्छी कराई जाए। तो ऐसे संस्कृति मॉडल स्कूल ये 1419 संख्या इसकी बनाई गई और कंपैरेटिवली इनकी पढ़ाई का स्तर बाकी स्कूलों से थोड़ा अलग रखा गया। योजना में यही था कि आखिर कुछ स्कूल ऐसे होते हैं जिनके अभिभावकों को हम थोड़ा अगर कहेंगे तो निश्चित रूप से अच्छी पढ़ाई के बदले
उनसे कुछ फीस भी चार्ज की जा सकती है, क्योंकि आपको ध्यान में है कि स्कूल की जो विद्यार्थियों का जो बजट है, स्कूली शिक्षा का बजट आज लगभग 17,000 करोड़ रुपया, और ये स्कूली शिक्षा का बजट है। इस बजट के आधार के ऊपर हमारे जो विद्यार्थियों को जितना लाभ होना चाहिए उतना कई बार हमें ही लगता है कि उतना लाभ नहीं है, तो इसको लाभकारी कैसे बनाया जाए, इसमें कुछ जिम्मेवारियां स्कूल मैनेजमेंट कमेटी के ऊपर डाली जाए, कुछ जिम्मेवारी अभिभावकों के ऊपर डाली जाए, कुछ विद्यार्थियों को चयन करके अच्छे विद्यार्थियों को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, इस प्रकार से उन सबको आगे बढ़ाने के लिए। और हमने ये जो संस्कृति मॉडल स्कूल की कल्पना की थी, पहले संस्कृति मॉडल स्कूल जो सीनियर सेकेंडरी स्कूल थे, इसके बाद प्राइमरी स्कूल संस्कृति मॉडल स्कूल की भी कल्पना की गई है, और ऐसे प्राइमरी स्कूल जो हैं उनकी भी संख्या 500 से ऊपर ये हो चुकी है। इनमें अध्यापकों के अलग से प्रशिक्षण भी होता है और इस प्रकार से पढ़ाई का पूरा ध्यान रखा जाता है, आपके सब बच्चे उन्हीं स्कूलों में पढ़ते हैं। और हाँ, 1,80,000 रुपए से ऊपर की इनकम के जो परिवार हैं उनको ये भी कहा जाता है कि थोड़ा खर्च बच्चों के ऊपर अगर इन स्कूलों के माध्यम से भी करेंगे तो स्कूलों को भी लाभ होगा, बच्चे को भी थोड़ा उसकी मानसिकता ठीक रहेगी कि हर चीज मुझे मुफ्त में नहीं मिलती है। एक धारणा समाज में है कि जो मुफ्त में मिलता है वो अच्छा नहीं होता है, वो कमजोर कम होता है, वो एक प्रकार से खराब होता है, लेकिन जो पैसा भर के लिया जाता है शायद उसकी गुणवत्ता ज्यादा होती है। धारणा में कोई दम नहीं है, लेकिन फिर भी जो एक धारणा है उस अनुसार सरकारी स्कूल भी अच्छे स्कूल हैं, उनके अंदर अगर थोड़ी फीस रख के पढ़ाएंगे, आज इनकी डिमांड बढ़ी है। कोई माता पिता ऐसा नहीं कहता कि आपने 700 रुपया 900 रुपया 1100 रुपया जो फीस रखी है ये कोई ज्यादा फीस है, बहुत सामान्य है। हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं इनके अंदर तो बहुत बड़ी फीस है, एक परिवार का सामान्य परिवार का बालक उसमें पढ़ाई करने जा भी नहीं सकता है, गरीब विद्यार्थी की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन हमने इन सबको एक अवसर देने के लिए कि गरीब विद्यार्थी की इसमें फीस नहीं ली जाएगी, और ऐसे इन जो स्कूलों की संख्या ये हमने इसमें बढ़ानी शुरू की है। हमारे जो संस्कृत मॉडल स्कूल प्राइमरी स्कूल कितने हैं, हमारे संस्कृति प्राइमरी स्कूल है तो 1419 जो है हमारे, ये संख्या जो है बढ़कर के प्राइमरी स्कूलों की हुई है, तो एक अच्छी संख्या। इसमें और आगे बढ़ाने के लिए भी हमने विभाग को जो है ये निर्देश दिए हैं। हाँ, एक योजना और कि जहां हमारा संस्कृति मॉडल स्कूल नहीं है, ऐसे स्थानों पर प्राइवेट स्कूल जो अच्छे हैं और एक गरीब परिवार का अगर विद्यार्थी उसमें भी पढ़ना जाता है पढ़ना चाहता है, उसके लिए हमने चिराग योजना ये चलाई है कि दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं कक्षा तक उन प्राइवेट स्कूलों को, और फीस का अगर प्रबंध सरकार करती है तो वो बच्चे वहां जा सकते हैं, ऐसे हजारों की संख्या में, और बच्चे इन स्कूलों में भी जाना शुरू किए हैं ताकि गरीब परिवार का बच्चा भी जहां पढ़ना चाहे वहां पढ़ सकता है। अभी जैसे नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति ये अपनी शुरू हुई है, इस राष्ट्रीय शिक्षा नीति में प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमारी शिक्षा के साथ साथ बच्चे का सर्वांगीण विकास होना चाहिए, बच्चा किस प्रकार से आगे रोजगार प्राप्त करेगा उस ओर भी हमको बढ़ना चाहिए, तो ऐसे सब स्कूलों के अंदर इन बातों का ध्यान रखा गया है कि बच्चों के संस्कार अच्छे कैसे मिलते हैं। केवल पढ़ना लिखना ही पर्याप्त नहीं है, लेकिन अच्छे संस्कार अगर बच्चे में आते हैं तो आगे चल करके जो बच्चा है वो एक अच्छा नागरिक, देश का नागरिक, समाज का एक अच्छा नागरिक यदि बनता है तो उसका लाभ अपने देश को भी है, अपने समाज को भी है। तो अच्छा नागरिक कैसे बनाया जाए, इसके अंदर निश्चित रूप से कैसी उसने पढ़ाई की है, किस प्रकार से पढ़ाई की है, वरना एक समय था रटना रटाना ये पढ़ाई का एक भाग होता था, आज केवल किताबों से नहीं, रटे रटाए वाक्यों से नहीं, बल्कि बच्चा खेल करके भी सीखता है, बच्चा कुछ देख करके भी सीखता है, बच्चा सुन करके भी सीखता है, बच्चा कुछ काम करके ये भी सीखता है। तो ऐसी शिक्षा की पद्धति को बदलने का जो एक सिस्टम शुरू किया है ताकि बच्चों में एक भावना, अच्छी भावना आए, बच्चों के अंदर राष्ट्र प्रेम की भावना आए, बच्चों में बड़ों का आदर मान सम्मान करने की भावना आए, उनमें सेवा का भाव कैसे आए, स्वच्छता का भाव कैसे आए, अपने चारों तरफ का जो वातावरण है ऐसा कैसे वो अच्छा बने, और किस प्रकार से ऐसी जो हमारी समस्याएं हैं, सामाजिक समस्याएं, उनकी ओर बच्चों का ध्यान यदि प्रारंभ में भी जाता है तो निश्चित रूप से उनका एक कंसर्न, उनका एक लगाव ऐसी चीजों से अगर हम रखेंगे तो निश्चित रूप से इन चीजों को ठीक करने के लिए आगे आएंगे। तो ऐसी भावी पीढ़ी की चिंता करते हुए इन संस्कृति मॉडल स्कूलों का और एक प्रकार से एक अपना प्रयोग है।
तो वहीं इन स्कूलों के लिए चर्चा करते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि बच्चों के लिए शिक्षा के साथ साथ संस्कार भी बेहद जरूरी हैं, जिससे बच्चों को एक अच्छा नागरिक बनने में मदद मिल सके और इसके लिए सरकार के प्रयास लगातार जारी हैं। इन स्कूलों में हमने आधुनिक शिक्षा के नाते से बहुत से कमरे, इनको स्मार्ट क्लासरूम्स, ये भी हमने बनाया है। लगभग इस समय 4035 हमारे क्लासरूम ये स्मार्ट क्लासरूम्स हैं और अन्य जो बचे हुए क्लासरूम्स हैं इनको भी बहुत जल्दी हम स्मार्ट क्लासरूम ये बनाने जा रहे हैं। हमने 10वीं 11वीं 12वीं के बच्चों को टेबलेट्स भी दिए हैं ताकि आज आधुनिक पढ़ाई के नाते से वो किस प्रकार से और ऑनलाइन शिक्षा को कैसे ग्रहण कर सकते हैं, घर में बैठ करके भी कैसे उनका लाभ उठा सकते हैं। अध्यापक जो है वो हमारा एक प्रकार से शिक्षा में निश्चित रूप से उसका एक दायित्व होता है कि अपने बच्चों को शिक्षा अच्छी दे। अध्यापक अच्छा करते भी हैं, लेकिन वहीं पर हम चूंकि उन बच्चों के माता पिता के नाते से विचार करें, हमारा भी उतना ही दायित्व है, उससे कम नहीं है बल्कि उससे ज्यादा ही है, क्योंकि बच्चा ज्यादा समय घर पर रहता है और घर पर भी अगर उसको कहीं ना कहीं शिक्षा की ओर प्रेरित अगर हम नहीं करेंगे तो शिक्षा की ओर आगे नहीं बढ़ेगा। तो इसलिए माता पिता का जो दायित्व है उसके नाते से हम हमेशा बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करें, हम बच्चों की हमेशा सुने, उनकी कोई समस्या होती है उन समस्याओं को प्यार से हल करें, डांट डपट न करें। निश्चित रूप से बच्चे के मन के ऊपर एक असर जाता है कि हमारे माता पिता जैसा व्यवहार करते हैं वैसा ही व्यवहार बच्चा भी करता है। एक छोटी कहानी के माध्यम से यदि मैं बताना चाहूं तो एक बार एक माता पिता अपने बच्चों के साथ बैठ करके और थोड़ा देख रहे थे कि बच्चा वो क्या कर रहा है। तो बच्चा बैठ करके एक कागज के ऊपर पेंसिल लेकर कुछ खाने बना रहा था, बड़े बड़े खाने बनाए और साइड में कोने के ऊपर उसी कागज पर उसने चार छोटे छोटे खाने भी बनाए। माता पिता ने बड़े उत्सुक होकर के पहले बच्चे की प्रशंसा की कि बहुत बढ़िया ड्राइंग है, बच्चा बहुत अच्छा सीख के आया है। उन्होंने उत्सुकता से पूछ लिया कि बेटा ये बड़े बड़े खाने क्या हैं। तो बेटे ने कहा कि देखिए जब मैं बड़ा होऊंगा तो एक बड़ा सा मकान अपना बनाऊंगा और उस मकान में ऐसे ऐसे सब कमरे बनाऊंगा, एक कमरा मेरा अध्ययन कक्ष होगा, एक मेरा अतिथि कक्ष होगा, एक मेरा शयन कक्ष होगा। जैसा वो अपने घर में देखता था वैसे ही उसने बताया। माता पिता ने पूछा कि अच्छा ये कोने में छोटे छोटे बॉक्स ये क्या बनाए हैं। बच्चे ने बहुत ही एक ऐसे विश्वास के साथ जैसे बच्चा सब कुछ सीखा हुआ है उसने कहा कि देखिए जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो मैं इस मकान में रहूंगा और जब आप उसके बाद बूढ़े हो जाएंगे तो आप इन छोटे छोटे जो कमरे हैं ये आपके लिए हैं, आप इसमें रहेंगे। माता पिता ने पूछा कि हमारे लिए छोटे कमरे क्यों बनाए हैं। तो बच्चे ने कहा आज भी तो मेरे दादा दादी वो बहुत छोटे छोटे कमरों में कोने में तो रहते हैं, अगर दादा दादी को उस बच्चे ने देखा है तो वो ये समझता है, उसको संस्कार ऐसा मिला है कि बड़ा होने के बाद मैं यहाँ रहूंगा और मेरे माता पिता बूढ़े होने के बाद छोटे कमरों में रहेंगे। इसमें से माता पिता को भी ध्यान में आया कि बच्चा किस प्रकार से कैसे सीख जाता है। बच्चे की जो प्रारंभ में उसका जो दिमाग होता है पूरी स्लेट होता है, जैसा उसको पढ़ाएंगे, जैसा उसको दिखाएंगे, जैसा उसके साथ व्यवहार करेंगे निश्चित रूप से वैसे ही वो बनेंगे। कई बार पढ़ाई के अंदर बच्चे का जो ध्यान होता है वो कम होता है, हम उसको डांटते हैं। बच्चे को पढ़ाई का तरीका ठीक से ज्ञान कराया जाए तो पढ़ेगा। हाँ कई बार खेल खेल में भी बच्चा जो पढ़ता है उसको खेल के माध्यम से भी पढ़ना चाहिए। कभी कभी वो आते उसकी प्रारंभ में बचपन में कुछ बिगड़ने लग जाते हैं, मानो जैसे मोबाइल फोन है, इंटरनेट है, इसका दुरुपयोग करना शुरू करता है। ऐसी चीजों की पाबंदी जरूर रखनी चाहिए, लेकिन जिन चीजों से सीखता है उसके लिए हमको लगाना चाहिए। बहुत माता पिता अपने की बच्चे की परवरिश पर बहुत कई बार पैसा लगाते हैं और कभी कभी तो इतना दबाव बनाते हैं कि बच्चा एक साथ सब कुछ सीख जाएगा और सब ज्ञान लेकर के और सबसे आगे बढ़ जाएगा। ऐसे दबाव में भी बच्चा कई बार विकसित नहीं होता और विकास उसका रुक जाता है। ऐसे एक साथ सब काम करने के तो कई बार अनुभव बहुत खट्टे होते हैं, काम हमेशा शने शने क्रम से धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करते हैं तो बहुत अच्छा काम खड़ा होता है, सफलता मिलती है। इसको भी मैं एक बार एक कहानी के माध्यम से आपके सामने रखना चाहता हूँ। हमने शिवाजी महाराज का नाम सुना है। शिवाजी कब एक दिन अपने भटकते हुए या कहें कि शिकार करते हुए जंगलों में राजा जाते ही थे इस प्रकार के, तो छत्रपति शिवाजी एक घूमते हुए सायंकाल देर हो गई एक गांव में पहुंच गए।
उनको प्यास लगी थी, भूख लगी थी। एक गांव में बाहरी किनारे पर बुढ़िया झोपड़े में रहती थी, वो झोपड़े में गए और कहा, माई मुझे प्यास लगी है, मुझे भूख लगी है, आप आतिथ्य सत्कार के नाते से उस बुढ़िया ने उस व्यक्ति को बैठाया, वो नहीं जानती थी ये कौन है, उस व्यक्ति को बैठाया, पानी पिलाया और पानी पिला करके उन्हें कहा कि आप बैठो, मैं तुम्हारे लिए बढ़िया सी खिचड़ी बना के लाती हूँ। महिला रसोई में गई, उसने खिचड़ी बनाई और ला करके और खिचड़ी परोस दी। शिवाजी ने फटाफट खिचड़ी अपनी थाली में डाली और डाल करके और गरम गरम खिचड़ी, खूब गरम थी, जल्दी जल्दी खाने लगे। उनका हाथ जलने लगा, उनका मुंह जलने लगा। बुढ़िया अकस्मात वो क्या कहती है, कहती है ये ऐसी खिचड़ी खा रहा है जैसे शिवाजी खिचड़ी खा रहे हो। अब शिवाजी को तो सुनकर के हैरानी हुई कि बुढ़िया ने टिप्पणी कर दी है, शिवाजी महाराज खिचड़ी खा रहे हैं, ऐसे खा रहे हैं। उन्होंने कहा कि माई ये बताओ कि आपने क्या कहा है, शिवाजी की ऐसी खिचड़ी खाते हैं, आपको क्या पता है। उनका नहीं, शिवाजी खिचड़ी तो नहीं खाते हैं, लेकिन शिवाजी उतावले बहुत हैं, शिवाजी चाहते हैं कि जितने किले हैं एक साथ में जीत लूं, एक साथ किले नहीं जीते जाते हैं, इसी तरह एक एक करके वो जीतेंगे, अगर इस खिचड़ी को भी थाली के किनारों से ठंडा करके खाएंगे तो गर्म भी नहीं लगेगी, भूख भी मिटेगी, संतुष्टि भी होगी। तो ये बात तो मैं भी जानती हूँ कि कभी एक साथ एक काम नहीं किया जाता, शिवाजी सफल नहीं हो पाएंगे। शिवाजी ने सुना, आंखें खुली रह गई, उनके चक्षु खुल गए और जब वो गए अपने अपने महल में जाकर के विचार किया, चिंतन किया कि बुढ़िया की बात ठीक थी, तब जाकर के एक एक किला जीतना शुरू किया और बहुत विशाल साम्राज्य शिवाजी ने स्थापित कर लिया। तो यही एक अनुभव की बात कि हम भी कोई दबाव अपने बच्चों पर इतना न बनाए, एक साथ सब कुछ कर ले, बच्चे का विकास सहज सहज होता है, सीढ़ी दर सीढ़ी एक एक कदम बच्चा आगे बढ़ता है, उसकी चिंतन मनन हमको सबको करना चाहिए। हमारा बालक, हमारा बच्चा एक विद्यार्थी के रूप में जितना आगे बढ़ेगा, विकसित होगा, हमको तो लाभ होगा ही होगा, समाज और देश उसको भी लाभ होगा। तो निश्चित रूप से हम सरकार के नाते ये जो संस्कृति, जितने भी मॉडल स्कूल हैं, इन मॉडल संस्कृति स्कूलों में, चाहे हमारे प्राइमरी स्कूल हैं अथवा सीनियर सेकेंडरी स्कूल हैं, उनमें बहुत सी व्यवस्थाएं हमने खड़ी की हैं और भी आगे इसमें बढ़ाना चाहते हैं। हमने SMCs बनाई हैं, स्टेट स्कूल मैनेजमेंट कमेटी, और स्कूल मैनेजमेंट कमेटी इसके जिम्मे लगाया है कि अपने विद्यालय हैं उनका वातावरण कैसे अच्छा हो, उसमें छोटी मोटी कमियां उसको कैसे दूर करें। हमने हर एक विद्यालय की SMC को ये कहा कि वहां पर छोटी छोटी चीजों की व्यवस्थाएं, उसका एक बजट बनाइए, वो वीडियो के माध्यम से आप सरकार को भेजिए, उसके ऊपर 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख, 25 लाख, वहां तक खर्च अपने आप करिए। एक सीमा 25 लाख तक किस लिए की है कि अनाप शनाप बिल न बना दें, ताकि हम सब जो SMCs के लोग हैं, जिसमें अभिभावक भी हैं, सब मिलकर के उस विद्यालय की व्यवस्थाएं, मानो विद्यालय को रास्ता वो ठीक जाता कि नहीं जाता है, पक्का है कि नहीं है, उस विद्यालय में पानी पीने का इसकी व्यवस्था है कि नहीं है, शौचालयों की व्यवस्था ठीक है कि नहीं है, वहां स्वच्छता सफाई होती है कि नहीं होती है, वहां की चार दीवारी बनी है कि नहीं बनी है, वहां रंग रोगन हुआ है कि नहीं हुआ है, वहां की बिजली लाइट ठीक है कि नहीं है, ऐसी सामान्य जो इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्थाएं हैं, डुअल डेस्क बच्चे जिस पर बैठते हैं, बेंच डेस्क इसकी व्यवस्था वहां है कि नहीं है, ऐसी सब चीजों को करने के लिए हमारे विद्यालय के जो स्कूल प्रबंध समितियां हैं वो अच्छा काम करेंगी, वातावरण अच्छा होगा, शिक्षा में सहायक होंगे ये। तो इस प्रकार का काम आप कर ही रहे होंगे, नहीं तो आज ही अपने विद्यालय की व्यवस्थाओं को आप संभालिए, इसमें अच्छे काम करिए और बच्चों की पढ़ाई को उनको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करिए। मुख्यमंत्री मनोहर लाल का मानना है कि बच्चों की अच्छी शिक्षा होगी तो वो अच्छे नागरिक बनेंगे और बच्चों को अच्छा नागरिक बनाना सरकार का मकसद है, इसके लिए सरकार लगातार कदम उठा रही है। अच्छे नागरिक के निर्माण से ही प्रदेश का अच्छा भविष्य सुनिश्चित किया जा सकता है। इसी सोच के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार विकास कार्य कर रहे हैं। हरियाणा को विकास के मार्ग पर ले जाने की जिम्मेदारी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कंधों पर उठाई हुई है और साथ ही साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से अपराध पर रोक लगाने को लेकर भी बराबर प्रयास किए जा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की प्रगति का बेड़ा अपने कंधों पर उठाया है। इसी के साथ मुख्यमंत्री मनोहर लाल लगातार प्रदेश को आगे बढ़ा रहे हैं।
मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विकास को लेकर बात करते हुए कहा कि हरियाणा में हर क्षेत्र में आज विकास की नई आयाम स्थापित हो रहे हैं, तो वहीं साथ ही इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी सरकार की ओर से सराहनीय कदम उठाए गए हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर में हरियाणा का देश में पहला स्थान। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति में भी काफी बढ़ोतरी उनके कार्यकाल के दौरान हुई है। इंफ्रास्ट्रक्चर के नाते, विकास के नाते 20,000 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट या तो शिलान्यास किए हैं या हमने उसका उद्घाटन किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर में देश के अंदर प्रथम स्थान पाने वाला हरियाणा, इसका कोई भी जिला दूसरे जिले के साथ नेशनल हाईवे के साथ जुड़ा है और बहुत बड़े जो हाईवेज बन रहे हैं उन हाईवेज के आधार पर इस देश की आर्थिक प्रगति, यहाँ उद्योग लगेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, इस आशा के साथ इन्वेस्टर्स बहुत बड़ी संख्या में हरियाणा में आ रहे हैं। वैसे वर्तमान में भी हरियाणा की आर्थिक स्थिति एक अच्छी आर्थिक स्थिति ऐसी मानी जाती है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत है, हम दो आंकड़ों डबल डिजिट में हमारी आर्थिक व्यवस्था की जो बढ़ोतरी हो रही है हर वर्ष, ये देश की अर्थव्यवस्था जो बढ़ रही है उससे कहीं ज्यादा है। हमारे यहाँ पर कैपिटा इनकम जो 2014 में 1,38,000 थी, अभी इस समय 2023 में ये बढ़ करके 2,97,000 रुपए प्रतिवर्ष ये मित्रों हो गई है। एक तरफ जहां मुख्यमंत्री ने विकास को लेकर अपनी बात रखी, तो वहीं मुख्यमंत्री ने कहा कि उनकी सरकार के कार्यकाल के दौरान अपराधियों पर नकेल कसने का काम भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सरकार ने किया है। चाहे किसी भी तरह का क्राइम, किसी भी तरह का अपराध हो, सरकार ने हर तरह के क्राइम पर लगाम लगाने का काम किया है। साथ ही मुख्यमंत्री ने कहा कि नशे की रोकथाम से लेकर गो हत्या पर रोक लगाने के लिए भी सरकार की तरफ से सख्त से सख्त कदम उठाए गए हैं ताकि क्राइम रेट को शून्य किया जा सके। हरियाणा के एक क्षेत्र के अंदर साइबर क्राइम का बहुत बड़ा एक नेटवर्क जो बना हुआ था उसको हमने तोड़ा है। हम कोई भी इस प्रकार का अपराधी होता है, चाहे वो नशे में लिप्त है अथवा साइबर क्राइम है अथवा अन्य प्रकार का क्राइम करता है, उनकी प्रॉपर्टीज को कुरक करते हैं और उनको कुरक करने के बाद उनको सबक सिखाया जाता है, उनको जेल के अंदर डाला जाता है ताकि किसी भी क्राइम के ऊपर उनको जो है आगे बढ़ने का मौका न मिले। जो संगठित अपराध होते हैं उनके लिए भी हमने कानून बनाया है, हर कोका के माध्यम से जो संगठित अपराध के ऊपर ये नकेल कसी जाएगी, इसको हमने पास किया है। केंद्रीय अनुमति के लिए ये राष्ट्रपति महोदय के पास गया हुआ है। गोरक्षा का सुरक्षा का कानून ये हमने बनाया है और इसमें भी 10 साल तक की सजा गोहत्या पर ये हमने लागू की है, तो इस पर भी बहुत बड़ा काबू है, कंट्रोल हमने किया है। धर्म परिवर्तन जो लोग करते रहे हैं, जो करवाते रहे हैं, करने के बजाय धोखे से जबरदस्ती किसी का धर्म परिवर्तन कराते रहे हैं, उनके ऊपर भी हमने शिकंजा कसने के लिए और एक कानून बनाया है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल की तरफ से जितने प्रयास प्रदेश को आगे ले जाने के लिए किए जा रहे हैं, तो वहीं उतने ही प्रयास अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए भी किए जा रहे हैं। सीएम मनोहर लाल की तरफ से किए जा रहे इस सराहनीय कार्यों का फायदा अब जनता को धरातल पर दिखाई देने लगा है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में लगातार हरियाणा प्रदेश विकास की मार्ग पर अग्रसर है। ऐसे में हरियाणा का हर वर्ग सरकार के कार्यों से काफी संतुष्ट है और खुश है, क्योंकि हरियाणा सरकार का एक ही मकसद और उद्देश्य है कि प्रदेश के अंतिम पंक्ति में खड़े अंतिम व्यक्तित्व को भी विकास से जोड़ा जा सके और मुख्य धारा से जोड़ने का काम किया जा सके। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम हरियाणा डायरी में आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहे हरियाणा न्यूज। नमस्कार।